बुला लेंगे, इतनी मार पड़ी वो कर दिया लेंगे। मेरा नाम राहुल है, मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं एक साल से मैंने अपना पेज बनाया था फॉर इडियट्स। उस टाइम से मैं स्ट्रीट डॉग के लिए बाहर के लिए फीडिंग का काम करता था और अपने घर में कुछ मैंने पेट्स रखे होते उनकी सेवा करता था। जो सिम्मू और बज्जू है उनसे मेरा बॉन्ड बिल्कुल अलग था। जो बज्जू है वो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकता था और सिम्मू बज्जू मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। मैं पहले नहीं जानता था कि जो ये जो मोंकी है वो वाइल्ड लाइफ के एक्ट में आते हैं या ये वाइल्ड एनिमल है। बस मैंने तो एक वही है ह्यूमंस बीइंग, मैंने एक बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, इनकी माँ नहीं है तो हम इनके माँ बाप बन के इनको इनकी एक हेल्प करें। वाइल्ड लाइफ वालों ने मुझे बताया कि ये वाइल्ड लाइफ के अंगेज आते हैं, वाइल्ड लाइफ में मतलब इनको रखने की अनुमति नहीं है, आप घर पर नहीं रख सकते, रेस्क्यू कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो बट रख नहीं सकते। तो मैंने सारे कानून को देखा, इन्होंने मेरी कंप्लेंट की और कुछ मुझे डराया धमकाया, तो उस वजह से फिर मैं इन बच्चों को खुद इनके ऑफिस में मैं इनको दे के आया हूँ। जब मैं उनको दे के आया उनके ऑफिस में तब उन्होंने बताया कि हम इनको जंगल में नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात ये थी। और मैंने भी बोला था कि इनको जंगल में नहीं छोड़ना, ये जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ह्यूमंस बीइंग में रहे हैं, इनको खाने का पता नहीं है, पीने का पता नहीं, ढूंढने का पता नहीं है। तो उन्होंने हमें बोला था कि हम इनको एक अच्छी जगह किसी जू में किसी सेंचुरी में छोड़ेंगे, बट उन्होंने हमारे साथ गलत किया और हमें बिना इन्फॉर्मेशन के इन्होंने इनको जंगल में छोड़ दिया। जिसके रिगार्डिंग मैं 1 वीक से इनसे वीडियो भी मांग रहा था कि मुझे कोई प्रूफ दे दो कहाँ पे छोड़ा कहाँ पे नहीं छोड़ा, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। जब हमने बहुत ज़्यादा दबाव डाला इनके ऊपर तब जाके इन्होंने हमें वहाँ की वीडियो दी। वाइल्ड जो ऑफिसर है जिन्होंने उन बच्चों को जंगल में छोड़ा, तभी से मैंने 2 घंटे बाद उनको ढूंढना शुरू किया। रात को थकार के नहीं मिले तो हम घर आए, मन में था कि वो बाहर क्या कर रहा होगा, कैसे सोएगा वो, क्या खाएगा, क्या कैसे मैनेज करेगा। तो वो चीज़ें मतलब पूरी रात रोने के लिए मजबूर थे हम उस चीज़ों के लिए। नेक्स्ट डे बारिश हुई, बारिश में कभी बाहर नहीं निकला वो, यार वो कैसे मैनेज करेगा बाहर के लिए। सुबह उठते दूध पीना होता था उसने, दूध कैसे पिएगा। अभी भी कहीं से फोन आता तो यार अभी देखने भागना पड़ता है हमें कि अब मेरे बच्चे ना हो। अब कभी लगता कि मैं भूल ना गया हूँ, कभी लगता कि यार वो मर ना गए हो, कभी लगता है कि किसी ने पकड़ ना रखा हो। जिन लोगों का अपने बच्चे मरते ना उनको पता चलता है कि दर्द क्या होता है। भगवान ना करें इन लोगों के बच्चे ऐसे मरेंगे जब इनको एक दर्द का एहसास होगा कि रियलिटी में दर्द क्या होता है। तो बस मैं तो यही एक भगवान से प्रेरणा करूँगा कि मुझे इनके काबिल बनाए और मैं हमेशा लड़ता रहूँगा इनके लिए।